किसे का दोष नहीं शरण करनाई बफेरा, किसे का दोष नहीं शरण करनाई बफेरा, मेरा परदेश का फेरा। प्रेमी जनों कैसा समय आ जाता है जब ये कहते हैं हर इंसान को प्रेमी जनों कभी भी दान पुण्य करना बंद नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इंसान का समय कैसा आ जाए। कहते हैं कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। कैसा समय आ जाता है, पहली बात के माध्यम से के बताया। ला 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 ला
आई है सारी। प्रेमी जनों, एक समय इंसान का ऐसा होता है कि जब इंसान के पास में पैसा होता है, समय अच्छा होता है, तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब इंसान का समय बुरा आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो हमेशा सुख दुख में साथ देती है। प्रेमी जनों, लेकिन 100 में से 80% पत्नी ऐसी होती है जो सुख दुख में साथ देती है, लेकिन 15% ऐसी भी होती है जो सिर्फ इसके ही प्यारी होती है, उन्हें सिर्फ यही चाहिए। वो ऐसे टाइम पे वो भी धोखा दे जाती है जिन्हें प्यार, जिन्हें पैसों से मतलब होता है। लेकिन धर्म पत्नी बोली, सेठ ताराचंद जी की पत्नी बोली कि पिया जी आप टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो, आज समय आपका बुरा है, ये समय आपका निकल जाएगा, अच्छा भी समय आएगा, लेकिन आप अपना धीरज धरिए। कैसे? तीसरी बात के माध्यम से मैं आप लोगों से छोटी सी बात पूछना चाहूंगी। क्या रागनी समझ में आ रही है? बढ़िया लग रही है? तो दोनों हाथों की ताली बजाते रहो जी, क्योंकि कहते हैं कि चाहे कोई गाने वाले कलाकार हो या कोई राजनीति मंच हो या कोई हमारे नेता हो, ये भी हमेशा तालियों से खुश हो जाते हैं। तालियां हमारे ऐसी लगती है ताऊ जी जैसे जैसे जाप्पे वाली के देसी घी के लड्डू। तो आप मीठी मीठी ताली बजाते रहोगे तो हमारे अंदर भी एनर्जी आती रहेगी। आइए तीसरी बात के माध्यम से, कैसे दादा लक्ष्मीचंद जी ने कैसे क्या बताया। Yeah।